नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। बलरामपुर के मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का हुआ आयोजन। 65 जोड़ों की सामूहिक विवाह कार्यक्रम में हुआ विवाह। धार्मिक रीति रिवाज से सभी विवाहों को कराया गया सम्पन्न। बलरामपुर सदर विधायक पलटूराम और ब्लॉक प्रमुख श्री दत्तगंत हेमंत जायसवाल की उपस्थिति में हुआ कार्यक्रम। बलरामपुर जिले के विकास खंड श्री दत्तगंज में हुआ मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन। आप यहाँ के ब्लॉक प्रमुख हैं? हमारे यहाँ मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के योजना के अंतर्गत 65 जोड़ों का जो है जीवन दंपत एक सूत्र में आज बंधे हैं। मैं उन सभी को हार्दिक बधाई देना चाहूँगा और इसके साथ साथ मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि जो इस योजना को सुचारू रूप से गरीबों तक जो पहुंच रहा है, जो गरीब थे अपनी बहन बेटी की शादी में दूसरों से कर्जा लेते थे या फिर अन्य कई चीज़ों को गिरोह रख के शादी करते थे, आज उस चीज़ से उन लोगों को निजात मिला है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इसके लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करूँगा कि ऐसे ही जो हमारे गरीब हैं जिनके बहन बेटियों की शादी हाथ पीला नहीं हो सकते हैं, वो हमारी सरकार ने लगातार प्रयास कर रही है कि मतलब जो है गरीबों को किसी से कर्ज लेना ना पड़े और हमारी सरकार अपनी तरफ से शादी संपन्न कराई। आज श्री दत्तगंज विकास खंड परिसर में माननीय मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 65 ऐसे नव दंपत्ति को आज माननीय मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत लाभान्वित करने का काम किया गया है। यहाँ उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर सभी प्रकार की सुविधाओं से जो गरीब आदमी कभी अपने बेटी की शादी के लिए दूसरों के पास कर्ज लेने जाता था और पूरा जीवन अपना वहीं समर्पित कर देता था, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये वादा किया था कि उत्तर प्रदेश की ये सरकार 2017 में जब से बनी है ये गरीबों की सरकार है, बिना किसी जात धर्म और मजहब के किसी भेदभाव के लिए यह सरकार नहीं है। आज जहां हम हिंदू समाज के लोगों को नव दंपत्ति के रूप में शादी जोड़ों के बंधन के रूप में आशीर्वाद दे रहे हैं, वहां मुस्लिम समाज के लोग भी बढ़ चढ़ करके इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। आज 65 ऐसे नव दंपत्ति को आज इस शादी समारोह में उनको लाभान्वित करने का काम किया गया। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।